नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल किसान विकास केंद्र में। किसान भाइयों, आज बात करेंगे टिंडे की खेती के बारे में। किसान भाइयों, इसका समय है जो ग्रीष्मकालीन के लिए फरवरी से मार्च में इसकी बुआई होती है और बरसाती के लिए इसकी जून से अगस्त में बुआई होती है और ठंड के सीजन के लिए अक्टूबर से नवम्बर में बुआई होती है। तो अभी बात करते हैं इसकी फरवरी माह में बोनी की जाती है, जो उसके लिए बात करते हैं अपन। भूमि की बात कर ले हैं तो भूमि में इसकी काली दोमट मिट्टी, बालू दोमट मिट्टी और मध्य वर्ग की मिट्टी में खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। भूमि के पीएच मान की बात करें तो 5.5 से 6 तक पीएच मान अच्छा माना जाता है। आइए अब बात करते हैं वैरायटी के बारे में कि कौन कौन सी किस्में हैं इनकी ठंडे की। तो सागर सीड्स का आता है नरेश के नाम से, महको का आता है MTMH1 के नाम से, दूसरा महको का आता है माही के नाम से, ईस्ट वेस्ट का आता है 409 की वैरायटी है, जो 409 है, और कल्स का है जो वो चित्तौरा के नाम से आता है, और ग्रीन वैली का आता है जो लुधियाना के नाम से आता है, हाई बैक का आता है वो कुबेर के नाम से आता है। ये कुछ चयनित वैरायटी हैं जो अच्छी उपज देने वाली हैं और रोग प्रतिरोधक रोगों के प्रति लड़ने की इनमें क्षमता होती है। तो आइए अब बात कर लेते हैं बेसल डोज के बारे में। तो बेसल डोज में हम दो ट्राली गोबर का खाद, हम एक एकड़ की बात करेंगे, एक एकड़ में दो ट्राली गोबर का खाद बिखेरना है, उसके बाद DAP लेना है एक बोरी 50 kg की, उसके बाद सुपर लेना है पाउडर वाला जो पाउडर में आता है SSP, उसको एक बोरी लेना है 50 kg की, और MOP लेना है 10 kg। इन सबको मिला के खेत में बिखेरना है। बिखेरने के बाद हमें कल्टीवेटर चलवाना है और रोटोवेटर चलवाना है, रोटोवेटर से भुरभुरी बनवाना है मिट्टी को, और उसके बाद बेड बनवाना है। बेड विधि द्वारा करेंगे हम इसकी टिंडे की खेती। तो बेड बनवाएंगे, बेड से बेड की जो दूरी रहेगी वो करीब 4 फीट रहेगी, उसकी चौड़ाई रहेगी बेड की जो करीब 2.5 से 3 फीट रहेगी, और ऊँचाई रहेगी जो वो 1 फीट रहेगी। इसके बाद हम जब इसकी बुआई करेंगे बीज की, तो दो बीज एक स्थान पर, दो बीज लगाना है हमको, और पौधे से पौधे की जो दूरी रखना है वो करीब 2 से 2.5 फीट रखेंगे, और लाइन से लाइन की जो दूरी 4 फीट रहेगी, और समय समय पर और निंदाई गुड़ाई करते रहें क्योंकि निंदाई गुड़ाई की जरूरत पड़ती रहेगी इसमें। पूरी फसल में कम से 2 से 3 बार निंदाई गुड़ाई की जरूरत पड़ेगी, तो समय के हिसाब से करते रहें निंदाई गुड़ाई। सिंचाई की बात करें तो इसमें ज़्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, मध्यम हल्की सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो समय के अनुसार खेती को देखते हुए आप उसकी सिंचाई करते रहें। आइए अब बात कर लेते हैं कीट के बारे में, रोगों के बारे में। तो दोस्तों, इसमें कीटों की जो अपने इल्ली है, जो गुलाबी सुंडी है, तम्बाकू इल्ली है, चितकबरू इल्ली है, पत्ता लपेट है, ये सब देखने को मिलती है इसमें। रस चूसक कीट हैं जैसे एफिड जैसेट हैं, मकड़ी है, और माइट्स है, और थिप्स हैं, ये सब देखने को मिलते हैं। तो इनके लिए हम समय समय पर स्प्रे करते रहें। जो भी स्प्रे है इसमें एक हल्की फुल्की केमिकल हम बता देते हैं आपको कि जैसे प्रोफेनोसाइपर है प्लस एसीटामिप्राइड है 20%, इन दोनों केमिकल को मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। माइट्स के लिए ओ माइट आता है धान का, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, और एफिड जैसेट के लिए आप जैसे वाइट फ्लाई है, इसके लिए आप एसीटामिप्राइड 20% है उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फर्स्ट स्प्रे की बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट स्प्रे इसमें 30 से 35 दिन में करेंगे। तो अली का ले लेंगे सजेंटा का, और वो सक्सपर ले लेंगे कृषि रसायन का, दोनों को लेकर 250 ग्राम अली का और 250 ग्राम वो सक्सपर, दोनों को लेकर एक एकड़ में स्प्रे करना है। और दूसरा स्प्रे रहेगा जो वो करीब 70 से 80 दिन में रहेगा, इसमें सोलोमन ले लेंगे हम 100 ग्राम और फेंटेक प्लस ले लेंगे 100 ग्राम, दोनों को मिलाकर स्प्रे करना है 150 लीटर पानी के साथ। इसके बाद हम खाद की बात कर लेते हैं। तो 40 से 50 दिन में यूरिया लेना है 20 kg और माइक्रोन्यूट्रेंट्स लेना है 2 kg, दोनों को मिलाकर आपको छिड़काव करना है। दोस्तों, यह लाइफ साइकिल है फसल का जो पूरा 90 से 100 दिन का रहता है। 90 से 100 दिन में फसल पूरी पड़ पक कर तैयार होकर और लास्ट स्टेज तक पहुँच जाती है। इसमें फर्स्ट तुड़ाई करीब 50 से 55 दिन में मिल जाती है हमको, और लागत की बात कर लेते हैं तो 12 से 15 हज़ार रुपये इसमें लागत आती है, और कुल मुनाफा के उत्पादन की बात करें तो एक एकड़ में करीब 90 क्विंटल तक माल निकलता है, उपज मिलता है 90 क्विंटल से 1 क्विंटल 100 क्विंटल तक उपज निकलती है, तो पैदावार जो होती है करीब 100 क्विंटल तक मिल जाती है। तो कुल मुनाफा की बात करें तो लागत अपन काट के, तो करीब लागत जो 12 से 15 हज़ार रुपये लगी है उसको काट के हमें मुनाफा जो 1 से 1.5 लाख रुपये का मुनाफा शुद्ध 3 महीने में हो जाता है। तो ये जो जानकारी थी ये टिंडे की खेती की थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।